नमस्कार, स्वागत है आपका आप सितारे में और मैं हूं आपके साथ प्राची। क्या आप पैसों की तंगी से परेशान हैं? आए दिन हो रही आपकी जेब खाली है, तो आज हम आपको बताएंगे ऐसे चमत्कारी उपाय जिन्हें करने से 7 दिनों में भर जाएगी आपकी जेब। और ये सब जानेंगे हमारे आज के महा उपाय में, साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसे शुरू करते हैं आपके सितारे। पैसों की तंगी से है परेशान, आए दिन हो रही है जेब खाली, तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से एक हफ्ते में कैसे बढ़ेगा आपका धन। आपके सितारे में आप अपने हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1-800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2072, मास चल रहा है चैत्र का और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की आज द्वादशी तिथि है। बुधवार का दिन है, नक्षत्र है मघा, योग है शूल और करण है बालव। और आज जो व्रत पर्व त्योहार मना रहे हैं, आज इसे प्रदोष व्रत के नाम से हम जानते हैं। महादेव को समर्पित ये तिथि है। और चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल, आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है। और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यावसायिक योजनाएं आपकी आज सफल रहने वाली हैं। भाग्यवश आज आपके साथ कुछ ऐसा होगा जिसका आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए देवी कवच का पाठ आपको करना चाहिए और क्रोध करने से बचें तो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। चलिए अब जान लेते हैं कि वृषभ राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आपकी जितनी भी आर्थिक योजनाएं होंगी, यानी आप जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे होंगे, उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिलने के योग हैं। यात्रा में अपने सामान के प्रति आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, कहीं ना कहीं से कुछ हानि, कुछ क्षति, कुछ सामान चोरी होने या खोने की आशंका आपके साथ बनती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री काल भैरवाष्टकम का पाठ करेंगे तो आपको फायदा कहीं अधिक मिलेगा। आज ध्यान रखना चाहिए कि किसी को पैसे आप उधार न दें। और चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले आज क्या उपाय करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आप संतान के दायित्व की पूर्ति भलीभांति कर सकते हैं। भाई या पड़ोसी के साथ आज आपको बहुत अच्छा सहयोग मिलने वाला है। धन पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत आपके लिए आज बनते हैं। अचानक कहीं से धन प्राप्त हो जाए जिससे आपको मानसिक संतुष्टि प्राप्त हो, ऐसे लक्षण बन रहे हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री कृष्ण सहस्त्रनाम स्त्रोतम का पाठ करेंगे तो फायदा आप कहीं बहुत अच्छा ले सकते हैं। वाहन का प्रयोग बहुत तेज गति में करने से बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं कर्क राशि वालों का आज का राशिफल। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपका पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा सुखमय रहने वाला है। शासन सत्ता का सहयोग आपको प्राप्त होगा। उदर विकार यानी पेट से संबंधित समस्या या फिर त्वचा से संबंधित समस्या रोग आपको परेशान कर सकते हैं, इससे आप पीड़ित हों ऐसे लक्षण बनते हैं तो थोड़ा सा अपना ध्यान देना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लेना आज के दिन को बहुत अच्छी शुभता देगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण किसी भी परिस्थिति में मत खोइए। और चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज के दिन को शुभ बनाने के लिए सब बात हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं राशिफल। यात्रा देशाटन की स्थिति आपके लिए आज सुखद और लाभप्रद रहने वाली है। कहीं आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं या किसी यात्रा का कार्यक्रम था, उसमें आपको लाभ मिलेगा। किसी बहुमूल्य वस्तु के पाने की अभिलाषा जो आपने बहुत समय से संजो रखी थी, आज वो पूरी हो सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए संतान गोपाल स्त्रोत का पाठ करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। पार्टनर के साथ वाद विवाद या लड़ाई झगड़ा इस समय आपको किसी भी प्रकार का नहीं करना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का आज का राशिफल। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आर्थिक दिशा में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। वाणी पर नियंत्रण आपको निरंतर रखना बहुत आवश्यक होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री दुर्गा सहस्त्रनाम स्त्रोतम का पाठ करेंगे तो आपको फायदा कहीं अधिक मिल सकता है। घर आए हुए व्यक्ति को खाली हाथ विदा ना करें, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए।
चलिए वक्त अब कॉलर लेने का हो गया है। हमारी पहली दर्शक मोहिनी भवानी मंडी से हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी मोहिनी बताएं क्या आपका सवाल है। पंडित जी राम राम जी नमस्कार बताइए। मेरे बेटे का नाम शुभम जयसवाल है जी और उसका बर्थ डेट है 26/10/1997 जी रविवार और रात के 11:33 जी और मैं चाहती हूँ कि वो किस क्षेत्र में उसका करियर अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल आप मुझे इनका जन्म स्थान बताइए। क्या वो टीचर जन्म स्थान भवानी मंडी जी। देखिए आपने जानना चाहा कि क्या आपका बच्चा टीचर बनेगा। इस जातक की जन्म पत्रिका के अनुसार परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं और टीचर तो नहीं ये कहीं उससे ज़्यादा अच्छी पोस्ट पर जा सकता है ऐसे इसके योग बनते हैं। इसकी कुंडली में ऐसा योग दिखता है कि किसी अच्छी संस्था में प्रशासनिक स्तर पर मैनेजमेंट के स्तर पर ये बहुत अच्छी भूमिका निभाएगा आने वाले भविष्य में। तो फ्यूचर इसका बहुत ब्राइट है बहुत उज्ज्वल भविष्य है इस जातक का। तो इसके लिए इनको मानसिक तौर पर तैयार रखना चाहिए। अपने निर्णय बनाने में थोड़ा सा इसको कहीं ना कहीं से संकोच होगा कुछ कमजोरी होगी ये थोड़ा सा मन इसका जो है उतना विश्वास में नहीं होगा क्योंकि चंद्रमा के साथ राहु की स्थिति है। तो राहु चंद्रमा और केतु का समय रहते निदान कराइए। इसकी कुंडली में कर्म भाव और ज्ञान स्थान में बहुत अच्छे योग बने हैं। मैनेजमेंट से जुड़ी हुई ये कोई पढ़ाई करेगा और उसी क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा। ममता अगली दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी ममता बताएं क्या आपका सवाल है। जी नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्कार बताएं। जी मुझे अपने पति के बारे में पूछना है। जी बताएं। जी उनकी डेट ऑफ बर्थ है 7/5/1969 जी समय 11:45 रात जी जन्म स्थान शिमला जी। जी उनके काम के बारे में पूछना है। जी बिल्कुल देखिए इनका कोई काम धंधा बनता नहीं। जी मैं समझ गया। इनकी जन्म पत्रिका के अनुसार बृहस्पति की महादशा में सूर्य की अंतरदशा है और बृहस्पति इनकी कुंडली में तीसरे भाव के साथ साथ 12वें भाव जिसको व्यय का स्थान खर्च का स्थान कहते हैं उसके स्वामी हैं। तीसरे भाव के बारे में हम लोग रोज अमूमन इस बारे में एक बार तो चर्चा करते ही हैं कि तीसरा स्थान जो होता है वह संघर्ष का स्थान होता है। जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष की स्थिति का सामना करना पड़ता है जब उससे संबंधित ग्रह की दशा चल रही हो। अब यहाँ पे संघर्ष भाव और उसके साथ साथ व्यय स्थान दोनों स्वामियों की दशा एक साथ चल रही है। दोनों भावों के स्वामी एक ही हैं। अब उसमें और ज़्यादा दुर्भाग्य ये हो गया कि बृहस्पति भाग्य स्थान में केतु के साथ वक्री अवस्था में बैठे हैं। तो ऐसे में केतु के ऊपर बृहस्पति के ऊपर केतु ने ग्रहण योग बना दिया। बृहस्पति की दशा है बृहस्पति पहले ही दो अशुभ भावों के जो भाव ठीक नहीं थे उनके स्वामी हैं और उसके साथ साथ बृहस्पति की अपनी स्थिति भी खराब हो गई। तो ऐसे में आपको नकारात्मक परिणाम ही मिलेंगे। आपको दोनों पति पत्नी को भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी चाहिए और समय रहते बृहस्पति के वैदिक मंत्रों का 76,000 मंत्रों का जाप होता है बृहस्पति राहु और केतु का जाप करा करके इस दोष से मुक्ति आप पा लीजिए तब आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। प्रिया पौड़ी से अगली दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी प्रिया बताएं क्या आपकी समस्या है। हेलो जी बताइए। अच्छा जी प्रणाम। जी नमस्कार बताएं। मेरी फ्रेंड है उनका नाम है सोनिया उनका जन्म स्थान है पौड़ी पोखरा पौड़ी जी और उनका डेट ऑफ टाइम है 11:05 AM जी है और 15 जनवरी उनकी डेट ऑफ बर्थ है जी। ईयर बता दीजिए वर्ष साल 1991 जी। अब समय फिर से बताइए 11:05 सुबह जी। तो आचार्य जी मुझे ये पूछना था एक तो उनकी शादी का योग कब तक होगा कब तक उनकी शादी हो सकती है और उनके उसमें जॉब के बारे में पूछना था उनके जी। बिल्कुल देखिए ये समय इनके विवाह के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। कहा जा सकता है कि आने वाले 2016 के मध्य तक जून तक इनके लिए विवाह का बहुत अच्छा समय चल रहा है। तो इनके परिवार को इस समय में प्रयास करना चाहिए इस समय इनके विवाह की बात बनेगी। अब इसको दुर्भाग्य कहें या सिर्फ एक संयोग माने कि आजकल जितनी कुंडलियां आ रही हैं अधिकतर कुंडलियां उसमें जो है पितृदोष से ग्रसित हैं। शायद इसी कारण से हम लोग देखते हैं कि आजकल के समय में जितने जल्दी संबंध बनते हैं उतने जल्दी संबंध टूट भी रहे हैं और अगर किसी न किसी तरीके से विवाह हो जाए संस्कार कन्या के या वर के बहुत अच्छे हों तो आपस में तनाव होने के बावजूद भी
वो किसी तरीके से गुजर बसर कर रहे हैं, जो सुखी दाम्पत्य जीवन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। इस कन्या की कुंडली में भी बृहस्पति जो है वह केतु के साथ वक्री अवस्था में पंचम भाव में पीड़ित है। दाम्पत्य जीवन में तो बाधा आएगी ही आएगी और उसके साथ साथ आने वाले भविष्य में संतान प्राप्ति के लिए भी इस कन्या को बहुत ज़्यादा कठिनाइयों की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए बृहस्पति राहु केतु का जाप करा करके शांति कराएं और उसके अलावा अमावस्या की तिथि पर त्रिपिंडी श्राद्ध कराना चाहिए, क्योंकि ये बृहस्पति और राहु या बृहस्पति और केतु का जो संयोग है ये अपने आप में पितृदोष को दर्शाता है। मैं हर दिन में एक बार इस बात को दोहराता हूँ और उस दोष का निदान अलग से होता है, सिर्फ ग्रहों का जाप करने से आपको फायदा नहीं मिलेगा, उसके लिए त्रिपिंडी श्राद्ध पितरों के निमित्त करना पड़ता है। वेद, अगले दर्शक जुड़ गए हमारे साथ ललितपुर से। जी वेद, बताएं कि आपका सवाल है। जी 2/9/1988 जी, जन्म स्थान है 5/6/19 है जी, सायंकाल स्थान है ललितपुर यूपी जी। ये बताएं, प्रश्न करें, अभी कब तक होगी और भविष्य कैसा है? देखिए, आपकी आवाज़ हम तक पूरी नहीं आई है, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ आपने विवाह के बारे में प्रश्न किया है कि विवाह कब तक होगा। तो इस जातक की जन्म पत्रिका के अनुसार राहु की महादशा में बुध की अंतरदशा चल रही है। इनकी कुंडली ये बताती है कि 4 मार्च 2016 के अंदर अंदर अगर इनका विवाह हो गया तो ठीक है, अन्यथा फिर इस जातक के विवाह में कम से कम 1.5 साल का विघ्न, 1.5 साल का विलम्ब आएगा। तो आप लोगों को प्रयास करना चाहिए, अभी से आपके पास पूरे 1 वर्ष का समय है, इस समय में आप प्रयास करके इनके लिए विवाह कर सकते हैं। इस जातक को रोज सुबह प्रातःकाल जल्दी उठ करके स्नान ध्यान से निर्वृत्त होकर के लाल वस्त्र धारण करके सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए तांबे के पात्र से, अन्यथा जीवन में ये स्वयं बहुत ज़्यादा दुखी रहेंगे और आने वाले भविष्य में पिता के साथ इनके वैचारिक मतभेद और तनाव की स्थिति बहुत गंभीर हो सकती है, पिता के साथ बहुत कटुता वाले संबंध इनके होने वाले। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जानेंगे बाकी बची राशियों का हाल और आज का महाउपाय, तो बने रहिए हमारे साथ। के बाद आपका स्वागत है, चलिए जानते हैं बाकी बची राशियों का राशिफल और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में थोड़ी सी पारिवारिक समस्याएं रह सकती हैं, उससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते। संतान के स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सचेत रहना चाहिए, जीवन साथी का सहयोग आपकी पारिवारिक समस्याओं को दूर करने में बना रहेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम तुष्टाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। धन का बहुत ज्यादा व्यय करने से आपको बचना चाहिए। और अब जानते हैं वृश्चिक राशि वालों का आज का राशिफल। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यावसायिक योजना जो भी आप बना रहे थे वो आपके लिए सफल होने वाली है। धन पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि हो ऐसे लक्षण बनते हैं, लेकिन आज की दिनचर्या में रुपए पैसे के लेन देन को लेकर के आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम दयायुताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आत्मविश्वास में किसी भी प्रकार से कमी मत होने दीजिए। चलिए अब जानते हैं धनुराशि वाले आज क्या उपाय करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए रोजी रोजगार की दिशा में प्रगति प्राप्त होगी, उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा, आय और व्यय में संतुलन बना करके रखने की आवश्यकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम जटिलाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की दिनचर्या में किसी से बहुत बड़ी उम्मीद आप मत लगा करके रखिए। और अब जानते हैं मकर राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए अनावश्यक व्यय होने के कारण यानी फिजूल खर्च होने के कारण थोड़ा सा मन अशांत और चिंतित रह सकता है। विद्यार्थी वर्ग को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिले ऐसे लक्षण बनते हैं, तो थोड़ा और मेहनत से मनोयोग से आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम चंद्र चूड़ामणि नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज आपको ध्यान ये रखना है कि रात्रि काल में सिर में तेल लगा करके, केश में तेल लगा करके घर से बाहर आप ना जाएं। चलिए अब जानते हैं कुंभ राशि वालों का आज का राशिफल क्या है।
कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज ऐसे लक्षण बनते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो, ये लक्षण मिल रहे हैं। स्वास्थ्य के प्रति आपको साथ ही साथ थोड़ा सा सचेत रहना होगा। भाग्यवश आज आपके लिए कुछ ऐसा होगा जिसका आपको लंबे समय तक, लंबे अंतराल तक लाभ मिलता रहेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम चतुर्मूर्ति ने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आपको बचना चाहिए। और अब जानते हैं मीन राशि वालों का आज का राशिफल। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके कार्यक्षेत्र या व्यावसायिक क्षेत्र में आज आपको कुछ कठिनाइयों का, कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, जिस बाधा के निवारण के लिए शासन सत्ता का बहुत अच्छा सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। तो जो भी समस्याएं आएंगी, लोगों के सहयोग से आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम चतुर्बाहवे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज आपको ध्यान ये रखना है कि अधिक तेज गंध वाले सेंट, इत्र, परफ्यूम का प्रयोग आज की तिथि में आप ना करें। और चलिए अब जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं सप्ताह के 7 दिनों के लिए लाल किताब से संबंधित छोटे छोटे चमत्कारी उपाय। ये उपाय आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकते हैं। अगर इन उपायों को आप दिन के हिसाब से अपने सप्ताह में, आने वाले सप्ताह में आजमाते हैं, तो आपके जीवन में जो भी आर्थिक समस्याएं, धन से संबंधित कठिनाइयां चल रही हैं, उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आपके जॉब में, आपके व्यापार में बहुत अच्छी उन्नति आपको प्राप्त हो सकती है। लाल किताब में कई सारे अचूक उपाय दिए गए हैं जिनसे जीवन की सभी परेशानियों, खासतौर पर धन की, पैसों से जुड़ी हुई समस्या, ग्रहों आदि से जुड़े हुए जो भी दोष हैं, उनको आप दूर कर सकते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं सप्ताह के 7 दिनों के अनुसार लाल किताब के कुछ उपाय जिनसे आपको शीघ्र ही शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। तो इस क्रम में सबसे पहले बात करते हैं सोमवार की। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, या यूं कहें कि लाल किताब के अनुसार, सोमवार चंद्र देवता का दिन है। चंद्रमा से शुभ फल प्राप्त करने के लिए इस दिन आपको खीर बना करके वितरण करना और स्वयं खीर ग्रहण करना, दूध और चावल से बनी हुई खीर लोगों के बीच में दान करना, महादेव को भोग लगा करके उसका वितरण करना और स्वयं प्रसाद लेना, ये बहुत अच्छा लाभ हो सकता है। यदि कुंडली में चंद्रमा नीच का हो तो सफेद कपड़े आपको धारण करने चाहिए और श्वेत चंदन का तिलक आपको खासतौर पर सोमवार को लगाना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग है तो सोमवार से आरंभ करके आप नियमित इस क्रम को करें तो आपको फायदा और अच्छा मिलेगा। इसके बाद बारी आ जाती है मंगलवार की। मंगलवार विशेष पूजा का दिन होता है। मंगल की पूजा स्थिति में की जाती है। इस दिन मसूर की दाल का दान अवश्य करना चाहिए जिनकी कुंडली में मंगल की स्थिति ठीक ना हो। जो लोग मंगली हैं वे लाल वस्तुओं का दान विशेष रूप से करें। लाल वस्तुओं के दान में हमने आपको पहले भी बताया है, लाल वस्त्र, तांबे का पात्र, गुड़ और गेहूं का दान खासतौर पर किया जाता है। हर मंगलवार को गुड़ और सफेद तिल या काले तिल से बनी हुई रेवड़ियां मछलियों के लिए किसी जल स्थान में, नदी में, तालाब में, कुंड या सरोवर में डालना चाहिए। मीठा पराठा बना करके, गुड़ और आटे का या गुड़ और शक्कर का बना करके गरीब बच्चों के बीच में अगर आप उसका वितरण करते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, तो आपको फायदा मिलेगा। और साथ ही साथ हनुमान जी की पूजा आराधना आपको करनी चाहिए। फिर बारी आ जाती है बुधवार की। बुद्धि के देवता बुध ग्रह का दिन है और बुधवार को गणेश जी से जोड़ करके ज्योतिष शास्त्र में मानते हैं। जिन लोगों की कुंडली में बुध अशुभ फल दे रहा हो वे इस दिन साबुत मूंग खाएं और साबुत मूंग का दान करना चाहिए। मंगलवार की रात को हरे मूंग भिगो करके रखें और बुधवार की सुबह ये मूंग अपने हाथों से आप अगर गौ माता को खिलाते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा और भगवान गणेश की पूजा आराधना साथ ही साथ आपको निरंतर करते रहना चाहिए। इसके बाद बारी आ जाती है गुरुवार की। देव गुरु बृहस्पति का दिन है गुरुवार। जिन लोगों की कुंडली में गुरु ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं होते हैं वे लोग इस तिथि में किसी ब्राह्मण देवता को पीले रंग के वस्त्र और पीली मिठाइयां, खासतौर पर बेसन से बनी हुई पीली मिठाइयों का दान करें। कढ़ी चावल खुद भी ग्रहण करना चाहिए, खुद भी खाना चाहिए और गरीब बच्चों और गरीब लोगों के बीच में, ब्राह्मणों के बीच में अगर आप इसका वितरण करते हैं तो भी आपको फायदा मिलता है। और पीले रुमाल को, पीले रंग का एक रुमाल अपने साथ रखिए। इसके साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें तो आपको फायदा मिलता है। शुक्रवार असुरों के गुरु, असुर देवता जिनको कहते हैं, असुरों के गुरु शुक्राचार्य का दिन होता है शुक्रवार। इस दिन शुक्र ग्रह के लिए विशेष उपासना की जानी चाहिए। शुक्र ग्रह से ही आपको सभी भोग विलास की सांसारिक चीजें मिलती हैं। जो भी लग्जरी आप चाहते हैं, मनोरंजन और जीवन में जो आप सुख और ऐश्वर्य चाहते हैं वह शुक्र से मिलता है। तो
तो इस दिन दही और लाल ज्वार का दान आपको करना चाहिए। सफेद रेशमी वस्त्रों का आप दान करते हैं तो भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है, और इस तिथि में भी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करें, या खासतौर पर माँ लक्ष्मी की देवी स्वरूप आप अगर पूजा आराधना करते हैं, चाहे आपकी आस्था माँ लक्ष्मी में हो, देवी दुर्गा में हो, माता पार्वती में हो, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है, तो स्थिति में ऐसा जरूर करना चाहिए। इसके बाद क्रम आ जाता है शनिवार का। ज्योतिष शास्त्र और लाल किताब के अनुसार, दोनों के अनुसार शनिदेव का दिन होता है शनिवार। स्थिति में भगवान शनि की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है। इस दिन कोई नया कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए, खासतौर पर उनके लिए जिनके लिए शनि की स्थिति बहुत अच्छी ना हो। हर शनिवार को एक नारियल नदी में प्रवाहित करें। बहुत सारे लोग अपने सिर के ऊपर से घुमा करके भी करते हैं, आप वैसे भी कर सकते हैं। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमानाष्टक का पाठ करना, शनि चालीसा का पाठ करना स्थिति में बहुत अच्छा होता है। शनिदेव को दर्शन करें, शनिदेव को तेल चढ़ाएं, और जिनका शनि बहुत खराब हो वह छाया दान भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ काली वस्तुओं का दान करना शनिवार की तिथि में आपको बहुत अच्छा लाभ देता है। आप काले तिल ले सकते हैं, सरसों का तेल ले सकते हैं, काला वस्त्र ले सकते हैं, काली दाल ले सकते हैं, लोहे का पात्र ले, और अपनी पहनी हुई एक चमड़े की चप्पल, किसी गरीब व्यक्ति को कुछ दक्षिणा के साथ ये चीजें दान करना आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। चलिए कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं देवरिया से, पीयूष जी। पीयूष बताएं क्या आपकी समस्या है। जी बताइए। मैम मेरा नाम पीयूष कुमार जायसवाल है। जी जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ 5/10/1992। समय और स्थान बताएं। सर समय 9:30 बजे सुबह का या शाम का? सुबह। जन्म स्थान सर बराज। चलिए बताएं क्या जानना चाहते हैं। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरा नौकरी का योग कब से बनेगा। देखिए, आपकी नौकरी के लिए योग चल रहा है, आवश्यकता है आपको प्रयास करने की। नौकरी के लिए आपको प्रयास करना चाहिए इस समय में, इसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। राहु की महादशा में बृहस्पति की अंतरदशा है, आपकी कुंडली में मंगल और केतु का संयोग जो है अष्टम भाव में बन रहा है। ये योग आपके लिए बहुत ज़्यादा अनिष्टकारी इसलिए है क्योंकि इस समय में या इस योग के कारण आपको आपके स्वभाव में उग्रता बहुत रहेगी, गुस्सा और क्रोध बहुत आएगा, और अपनी वाणी से, अपने बात करने के तरीके से, या यूं कहें कि जो आप अभद्रता लोगों से कर बैठते हैं, इससे आपकी नौकरी को ज़्यादा खतरा रहेगा। तो अपने व्यवहार को जितना शांत, जितना सौम्य, जितना संस्कारी बनाएंगे, अपनी वाणी को जितना आप मीठा बनाएंगे, उतना अच्छा फायदा ले सकते हैं। तो आपके लिए हनुमान जी की पूजा आराधना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगी, और अगर आप हनुमान जी की पूजा आराधना करते हुए प्रयास करते हैं तो आपको नौकरी मिलने में सुविधा भी होगी और आगे भी आपको फायदा मिलता रहेगा। तो आज के महाउपाय में हमने जाना कि किस तरीके से सातों दिन सप्ताह के हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए जिससे हमें ज्यादा लाभ मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। जी धन्यवाद। फिलहाल आपके सितारे में इतना ही, आप देखते रहिए समाचार प्लस।